केएल राहुल ने किया संजीव गोयनका के साथ हुई लड़ाई पर खुलासा। SRH ने LSG को बुरी तरीके से हराया, जिसके बाद जैसे ही मैच खत्म हुआ LSG के ओनर संजीव गोयनका मैदान में आए और केएल राहुल की क्लास लगाने लगे। सबके सामने ही संजीव गोयनका राहुल पर भड़क गई। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हो रही थी। वहीं जब इंटरव्यू में केएल राहुल से लड़ाई के बारे में पूछा गया तो केएल राहुल ने बात करते हुए कहा कि संजीव सर इस हार से काफी निराश थे और उनका निराश होना भी सही है। हमने मैच ही इतनी बुरी तरीके से हारा है। संजीव सर मेरे प्रदर्शन से खुश नहीं थे। उनका मानना है कि मैंने पावर प्ले में काफी धीमी बल्लेबाजी की और उनका कहना भी सही है, मैंने काफी धीमी बल्लेबाजी की है जो हमें भारी पड़ी। मैं मेरी कप्तानी से खुश नहीं हूँ। हेड और अभिषेक ने जब हमें दौड़ना शुरू किया तो मैं काफी दबाव में आ गया था और उन्हें रोकने के लिए मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, इसलिए इस हार का पूरा जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। और संजीव सर का गुस्सा होना भी जायज है क्योंकि हमने फाइट ही नहीं दिया, लेकिन मेरी राय में अगर संजीव सर सबके सामने के बजाय अकेले में समझाते तो काफी अच्छा होता। दोस्तों आपकी राय में क्या संजीव गोयनका ने केएल राहुल को सबके सामने चिल्लाकर सही समझाया नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।